अग्निशामक यंत्र एक ऐसा छोटा गैस सिलेंडर होता है जिससे कोई पदार्थ छोड़ने से वह अग्नि को शांत करता है। अब इससे आगे मेरे सहपाठी आप सभी को बताएंगे। अब मैं आपको फायर एक्सटिंग्विशर यानी अग्निशामक यंत्र की परिभाषा देने जा रही हूँ। अग्निशामक यंत्र यानी फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल हम उस समय करते हैं जब अग्नि लगती है, कहीं भी आग लगती है तो फायर एक्सटिंग्विशर का उपयोग किया जाता है। जहां पर कम मात्रा में अग्नि लगती है वहां पर फायर एक्सटिंग्विशर का उपयोग किया जाता है। इसका इस्तेमाल हम आपातकालीन सिचुएशन मतलब इमरजेंसी कंडीशन में करते हैं। अब इससे आगे आपको मेरे सहपाठी बताएंगे। मैं भी आपको फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में बताऊंगी। जैसे कि पूर्वा ने आपको बताया, फायर एक्सटिंग्विशर एक आग बुझाने वाला यंत्र है। इसे हम अग्निशामक यंत्र भी कहते हैं। इसका उपयोग हम इमरजेंसी स्थितियों में करते हैं आग बुझाने के लिए। इसका उपयोग हम विकराल आग को बुझाने के लिए नहीं कर सकते हैं। अलग अलग आग के लिए अलग अलग जो हमारे फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं उनका यूज किया जाता है, और उनके बारे में आपको मेरे सहपाठी बताएंगे। अब मैं आपको आग लगने वाले प्रकारों के बारे में बताने जा रही हूँ। ये चार प्रकार के होते हैं, ए बी सी डी ए, जिसमें कि कपड़े जूट लकड़ी से लगने वाली आग की संभावना हो सकती है। बी पेट्रोल केरोसिन से आग लगने की संभावना हो सकती है। सी एलपीजी सीएनजी जिससे आग लगने की संभावना हो सकती है। डी जिसमें कि शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगने की संभावना हो सकती है। अब इसके आगे आपको मेरे सहपाठी बताएंगे। जाता है यह गहरे लाल रंग का होता है, और जैसे लकड़ी से लगने वाली आग या फिर कागज से लगने वाली आग को बुझाने में इसका उपयोग किया जाता है। अब आपको मेरे सहपाठी बताएंगे। इसका अगला प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का अधिकतर प्रयोग क्लास बी और सी में होता है। क्लास ए के साथ यह इनइफेक्टिव होता है। यह काले रंग का होता है। इसका अधिकतर प्रयोग हम एयर रेलवेज में करते हैं। अगला प्रकार है ड्राई पाउडर क्लास बी ए बी सी। इसका अधिकतर प्रयोग हम हॉस्पिटल या घरों में करते हैं। इसके आगे आपको हमारे सहपाठी बताएंगे। बिजली की किसी भी दोषपूर्ण या खुली तारों को जानकारी अपने प्रवेश को दें। सभी जनशील पदार्थ एक हवादार क्षेत्र में गर्मी से दूर रखें। तेल के सने कपड़े के किसी भी चिथड़े को धातु के अपने आप बंद होने वाले ढक्कन वाले डब्बे में रखें। जनशील पदार्थ का उपयोग करते समय धूम्रपान का यूज न करें। अब मैं आपको आग से बचाव के बारे में बताने जा रही हूँ। आग से सुरक्षा, ज्वलनशील सामग्रियों के आसपास में न रखें।
लीक होने वाले किसी भी टैंक पाइप या गैस लाइनों का मरम्मत करें या फिर उन्हें बदल दें। आग लगने पर लिफ्ट का प्रयोग न करें, सीढ़ियों का प्रयोग करें। आग बुझाने वाले उपकरणों की जानकारी रखें। अब इसके आगे मेरी सहपाठी आपको बताएंगे। अब हम आपको इसके प्रोसीजर के बारे में बताने जा रहे हैं। अब मैं आपको आग बुझाने के यंत्र के चित्र के बारे में बताऊंगी। तो ये है आग बुझाने का यंत्र का चित्र। इसमें सबसे पहले होती है सेफ्टी पिन। सेफ्टी पिन हमारे पास इस हैंडल में लगी होती है, जिसको हमें निकालना होता है, क्योंकि अगर हम सेफ्टी पिन को नहीं निकालेंगे तो हम इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले सेफ्टी पिन को निकालेंगे। फिर इसके बाद होता है प्रेशर गॉज। प्रेशर गॉज का काम होता है कि जो भी इसमें पदार्थ होता है, जैसे वाटर हो गया, CO2 हो गया, तो उसको हमने प्रेशर गॉज से हम उसकी तेजी को या उसकी धीम मतलब कि उसको कम कर सकते हैं और उसको ज़्यादा कर सकते हैं, जो भी इसके अंदर पदार्थ है उसको। फिर उससे अगला आता है हमारे पास हैंडल। हैंडल का यूज़ हम करते हैं जब भी हमने इसके अंदर जो भी पदार्थ होते हैं उसको दबाने के लिए हम हैंडल का यूज़ करते हैं, ताकि जो भी इसके अंदर पदार्थ है वो बाहर निकल सके। फिर अगला है हमारे पास CO2 कार्टिलेज। CO2 कार्टिलेज का यूज़ होता है हमारे पास। CO2 हमारे पास एक ऐसी गैस होती है जो कि हमारे पास ऑक्सीजन की मात्रा को कम कर देती है, क्योंकि फायर एक ऐसी चीज़ है जो कि हमारे पास ऑक्सीजन की मात्रा में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो CO2 जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारे पास ऑक्सीजन की मात्रा को कम कर देता है, जिसके वजह से आग ज़्यादा नहीं फैलती है। फिर हमारे पास अगला है हॉस। हॉस का मतलब होता है नली। अब ये हमारे पास नली है। नली का काम क्या होता है हमारे पास, इसका हम नली का हम इस्तेमाल तब करते हैं जब हमने इसका सिद्धांत नीचे की ओर करना होता है और आग को इस तरह से हमने बुझाना होता है, स्वाइप करना होता है अगल बगल की ओर। फिर अगला है हमारे पास वाटर। वाटर हमारे सभी आग बुझाने के यंत्र में मिला होता है, क्योंकि वाटर एक ऐसा काम करता है जो कि हमारे पास आग को बुझाता है। और इसके बाद में भी अगली सहपाठी आएगी। अब हम आपको आग की रोकथाम के बारे में बताने जा रहे हैं। सबसे पहले है आग रेस्क्यू। रेस्क्यू का मतलब होता है बचाव। तो नर्स का सबसे महत्वपूर्ण कार्य हॉस्पिटल में ये होता है कि वार्ड में जितने भी मरीज होते हैं उनको बाहर निकालना होता है, उनको बचाना होता है। तो नर्स का ये सबसे बड़ा रोल होता है, सबसे बड़ा कार्य होता है कि वो जितने भी मौजूद मरीज हैं उनको बाहर निकाल दें। अगला है ए। ए मीन्स अलार्म। अलार्म का मतलब होता है खतरे का संकेत। अब अलार्म जब भी बजता है, खतरे का संकेत तब भी आता है, तो ये क्या करता है हमारे सभी मरीजों को हॉस्पिटल में आए हुए जितने भी लोग आप जैसे उनको अलर्ट कर देता है, उनको सतर्क कर देता है, ताकि वो वहाँ से भाग जाए और उनको सिग्नल महसूस हो जाए। और ये क्या करता है हमारे पास जो खतरे का संकेत होता है वो हमारे पास आग विभाग को भी सूचित करता है कि वो कुछ ना कुछ एक्शन ले सके, उसमें कुछ ना कुछ कदम उठा सके। अगला है सी कन्फाइनमेंट। कन्फाइनमेंट होता है हमारे पास कि हमने ऑक्सीजन के सप्लाई में कटौती कर दी है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि ऑक्सीजन एक ऐसी चीज होती है जिसमें आग क्या होती है बहुत ज्यादा फैलती है। तो हमने क्या करनी है, ऑक्सीजन के सप्लाई को कट ऑफ कर देनी है, जिससे हमारे पास आग ना फैले। ई यूज ऑफ एक्सटिंग्विशर। यूज ऑफ एक्सटिंग्विशर का मतलब होता है कि हमने अब जो आग बुझाने वाला केंद्र, तो मैंने अब आपको बता दिया कि क्या होता है, लेकिन अब इसका इस्तेमाल कैसे करें तो वो भी हमें जानना बहुत जरूरी होता है। तो इसमें हम आपको आगे बताएंगे। पी पुल द पिन। पुल द पिन का मतलब होता है कि पिन को खींचो। अब हमारे पास फायर एक्सटिंग्विशर होता है, वहां पर एक पिन लगी होती है, हमें उसको निकालना होता है, हमें उसको खींचना होता है, ताकि हम उसका इस्तेमाल कर सकें। एम एट द बेस। एम एट द बेस का मतलब है कि उसका सिद्धांत हमने नीचे की ओर करना होता है, क्योंकि आग नीचे की ओर लगी होती है, तो हमने जो ये नली है वो उसका सिद्धांत नीचे की ओर करना है। एस स्क्वीज। स्क्वीज का मतलब होता है कि जो ये हैंडल है इसको प्रेस करना है, ऐसे दबाना है उसको, ताकि जो भी उसके अंदर पदार्थ है, वाटर है, CO2 है, वो बाहर निकल सके और आग बुझ सके। एस स्वाइप। स्वाइप का मतलब होता है स्वाइप साइड टू साइड। स्वाइप साइड टू साइड का मतलब होता है कि हमें इस तरह से स्वाइप करना है, साइड टू साइड, अगल की और बगल की तरफ, और हमें आग को बुझाना है। धन्यवाद। अब इससे आगे आपको मेरी सहपाठी बताएंगी। मैं आपको फायर के
फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आए तो हम थे यहाँ पे हॉस्पिटल में चेकअप के लिए, बट यहाँ पे बच्चों ने बहुत अच्छी जानकारी दी है, तो सोचा कि एक ब्लॉग इनके नाम। सो गाइस, वीडियो वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।